हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय चैनल कुक विद निर्मला। तो आज मैं बनाने जा रही हूँ पाइनएप्पल फ्लेवर केक। वीडियो में आप देख रहे होंगे कितना यूनिक डिज़ाइन है, कितना सुंदर केक हमारा दिख रहा है। तो इसे कैसे बनाते हैं, चलिए आइए देखते हैं। तो सबसे पहले मैंने क्या किया कि स्पंज को बना के मैंने पहले से ही रख लिया था। ये देखिए कितना स्पंज हमारा सॉफ्ट बना है। अब इसे थ्री लेयर्स में कट करके फर्स्ट लेयर को मैं रख दूँगी केक बेस पे। अब इस पर क्या करूँगी कि मैं आधा कप पानी में मैंने थोड़ा सा डाल लिया है पाइनएप्पल क्रश एक चम्मच के करीब। उसे उस सिरप से मैं सबसे पहले केक को मॉइस्ट करके व्हीपिंग क्रीम अच्छे से चारों तरफ स्प्रेड कर दूंगी। ऊपर से मैं लगा दूँ, ऊपर से थोड़ा सा मैं डाल दूंगी पाइनएप्पल क्रश, और डालने के बाद चारों तरफ अच्छे से स्प्रेड करके सेकेंड लेयर को भी सेम प्रोसीजर करूँगी। सबसे पहले लगाऊंगी मोस्ट कर लूँगी केक को, फिर ऊपर से व्हीपिंग क्रीम, और ऊपर से फिर मैं डाल दूँगी पाइनएप्पल क्रश। अब इन प्रोसीजर करने के बाद मैं क्या करूँगी, रखूँगी थर्ड लेयर को। और थर्ड लेयर रखने के बाद क्या करूँगी कि सबसे पहले मैं केक को करूँगी आइसिंग। और क्या करूँगी अब कि व्हीपिंग क्रीम को मैं भर लूँगी पाइपिंग बैग में और उससे चारों तरफ केक में लगा दूँगी। और फिर क्या लूँगी स्क्रैपर, और स्क्रैपर की मदद से मैं केक को अच्छे से आइसिंग करूँगी। इस तरीके से करने से केक बहुत जल्दी आइसिंग हो जाता है। ऊपर भी ये देखिए मैंने अच्छे से कर लिया। इसे हमें तब तक मतलब सफाई से करना है जब तक कि जो इसके एजेस है वो बिल्कुल अच्छे से ना बन जाए, क्योंकि सारा जो लुक होता है केक का वो इसी पे डिपेंड करता है। अब मैं केक बेस को साफ कर लूँगी। उसके बाद क्या करूँगी कि दो चम्मच लूँगी न्यूट्रल जेल छोटे वाले चम्मच से, उसमें डालूँगी एक चम्मच पानी, और उसको क्या करूँगी अच्छे से मिक्स करके, ये देखिए मैंने केक के ऊपर ड्रिपिंग किनारे किनारे मैंने ड्रिपिंग डाल दिया है, और बीच में पूरे केक के ऊपर स्प्रेड करूँगी। और स्प्रेड करने के बाद पैलेट नाइफ से इसे अच्छे से मिला दूँगी। ये देखिए अब मैं ऊपर बना दूँगी N1 नोजल से दो रोजेज। ये देखिए मैंने रोजेज़ बना लिए। अब नीचे बॉर्डर बना दूँगी, तो मैं स्टार स्टार वाला जो डिज़ाइन होता है वही वाला मैं इसमें डिज़ाइन बनाऊँगी। अब मैं बना के रखी थी लीफ वाला जो मोल्ड होता है, तो उससे मैं टॉपर बना के रखी थी। पीछे लगा दूँगी थोड़ा सा व्हीपिंग क्रीम जिससे कि हमारा जो टॉपर है वो हिले नहीं और गिरे नहीं। और यहाँ पे बिस्किट को मैंने गोल्डन डस्ट से गोल्डन कलर बना के रखा था, तो उसे मैं केक में चारों तरफ लगा दूँगी। और कुछ मैंने और बना के रखे थे टॉपर्स, तो उसे भी मैं यहाँ पे लगा दूँगी। और ये चॉकलेट जो स्ट्रॉ होता है ये लगा दूँगी चॉकलेट। अब ऊपर से क्या करूँगी डाल दूँगी ये शुगर बॉल्स। और इसके बाद अब फाइनल लुक देखिएगा हमारे केक का, ये गोल्डन शुगर बॉल्स है। और इसके बाद देखिएगा हमारे केक का जो फाइनल लुक है कितना बढ़िया दिख रहा है। ये देखिए अब ये हमारा पूरा केक रेडी हो गया है। ये देखिए इसका फाइनल लुक। तो आपको मैं कहना चाहूँगी कि अगर ये आपको वीडियो थोड़ा सा ही पसंद आए तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा। तब तक के लिए बाय बाय।